दोस्तों, आई होप आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं एंड लॉकडाउन में आप इनको बना रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मीठे पराठे की रेसिपी लाई हूँ जो कि मैंने शुगर से बनाया है। इसका शुगरी एंड कैरामल टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने अपने बचपन में बहुत खाया है और ये आप इसको लंच या डिनर के बाद इजीली बना सकते हैं और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके बच्चों को ज़रूर बहुत पसंद आएगा। लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स। इसको बनाने के लिए बहुत कम चीज़ें चाहिए। एक टेबलस्पून घी लिया है, 1.5 छोटा चम्मच शक्कर चाहिए और रोटी के लिए गुथा हुआ आटा। तो सबसे पहले मैंने आटे की एक लोई तोड़कर उसको सूखे आटे में रोल कर लिया है। फिर उसको एक पूरी जितना साइज का बेल लिया है। फिर इसमें मैंने अराउंड 1.5 छोटी चम्मच शक्कर डाल के कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए एक पोटली बना ली है। इसको अच्छे से सील कीजिए ताकि हमारी शक्कर बाहर नहीं निकले। फिर इसको सूखे आटे में फिर से रोल करके इसको एक मीडियम साइज की रोटी जितना बेल लेना है। बेलते समय ध्यान रखिए कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करिए, अदरवाइज शक्कर हमारी बाहर आ सकती है। इसको हर तरफ से कॉर्नर्स पर थोड़ा थिन आउट करके बेलिए। जब हमारी रोटी तैयार हो गई है तो उस मैंने एक तवे पे घी लगाकर पराठा सेकने के लिए रख दिया है। जब ये एक साइड से हल्का सा सिक जाए तो उस पर मैंने घी लगा दिया है और फिर इसको पलट पलट के दोनों तरफ से घी लगा के सेक लीजिए। अगर आप इसको वीगन बनाना चाहते हैं तो आप घी की जगह तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। इसको प्रेस करते हुए दोनों तरफ से सेकिए जब तक हमारी शुगर कैरमलाइज ना हो जाए और अच्छे से पराठा सिक न जाए। हमारा शक्कर का पराठा तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए, ये बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी लगता है। और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा इन कमेंट सेक्शन। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।